था और उद्देश्य ये था कि हम मैं नौकरी करता था, पिताजी नौकरी करते थे, भाई लोग पढ़ रहे थे, तो खेती करेगा कौन, तो ये सोचा गया कि बाग लगा दो उसमें तो सर्वाइव कर जाएगा, तो हम लोग आगे खेती बनी रहेगी। तो गांव के लोग हमसे हंसते थे, क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हूँ, तो हंसते थे कि ये पढ़े लिखे पागल हो गए, इतनी दूर और ऊसर में बाग लगा रहे हैं, मतलब एक तो दूर गांव से वहां रखवाली कौन करेगा, दूसरा ऊसर खेत है उसमें बाग लगा रहे हैं, ऊसर में कहीं बाग होते हैं, कोई बात नहीं। हमने हमारे चाचा जी गाँव में रहते, हमने कहा भाई ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, हमने कोई बात नहीं चाचा जी आप काम करिए करने दीजिए। तो हमने बाग लगाया और जो वैज्ञानिक पद्धति है हमने उससे बाग लगाया। तो हमने 1x1 मीटर के गड्ढे खोदे और जो नियत स्थान था उस हिसाब से खुदवाए, लेबलिंग करवाई, सब कुछ कराया और हमने उसमें बाग लगा दिया। बाग लगाने के बाद, चूंकि जब हम बाग लगा रहे थे, हमें याद है अगस्त से सितंबर के बीच में हम प्लांटेशन कर रहे थे, उस समय लू चलने लगी थी और गांव की कुछ मान्यता थी कनागत आ गए थे, तो इंजन पंप सेट जो था वो दूसरे वाले चक पे था, वहां कुछ नहीं था, तो लोगों ने कहा भाई नई चीज नहीं खरीदते हैं कनागत में। लेकिन चूंकि हमारा जब हमने प्लांटेशन कर दिया तो सूख जाएगा पूरा, तो कोई बात नहीं, हमने परमात्मा का नाम लेकर के हमने पिताजी से कहा हम कोई बात नहीं ले आओ, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये 40 बीघे का बाग हमारा हाथ से निकल जाएगा। हमने उसकी सिंचाई करने के लिए अपना वो कर लिया और उसमें हमने सिंचाई की और बाग लग गया। और अगले बार सितंबर में बाढ़ आ गई, उसमें नदी है हमारे किनारे से, उसमें बाढ़ आ गई। तो अब बाढ़ आ गई तो सारे पौधे डूब गए, तो ये हमें भी उम्मीद थी कि भाई ये तो रहेगा नहीं, अब छोटे पौधे हैं। लेकिन जो मैं अगली बात बताता हूँ आपको, अगली बार फिर सूखा पड़ी तो हमारे दादाजी के जमाने का वहां एक कुआं था, तो उस कुएं में पानी था, बाकी गांव के किसी कुएं में पानी नहीं था। तो लोगों ने कहा भाई इन्होंने एक पुण्य का काम किया है हमारे पिताजी का नाम लेके, इसीलिए इस कुएं में पानी, बाकी सब कुएं कैसे सूख गए। तो हमें लोगों ने बताया हम चलो कैसे ही, तो ये मान रहे हैं कि हमने कुछ किया है, लेकिन उसमें वैज्ञानिक बात ये थी कि हमने जो गड्ढे खो देते थे उसका पानी हमारा वहीं जमीन में जाता था, बह नहीं रहा था और वो वाटर स्टोरेज हो रहा था, तो वो हमारे पास पानी था, तो कुएं में पानी आ गया। और मतलब मेरा है कि हम प्रकृति के नजदीक रहे और हमने प्रकृति को उससे काम किया, तो पानी हमारे लिए सुलभ रहा। और मैं उसके बाद की 10 साल की और बात बताता हूँ। हमने घर समर लगवानी पड़ी है, सारे गांव के लोगों के इंजन पंप सेट पानी के लिए फेल हो गए, लेकिन हमारे उस बाग में हमारा जो डीजल पंप सेट था वो काम करता रहा, क्योंकि हमारा वाटर लेवल ऊंचा रहा, जो पानी की बरसात होती थी वो सब नीचे जाता था, कुछ पेड़ों की जड़ों से हो रहा था, कुछ गड्ढे से हो रहा था। और हमने पिताजी का पौधे कितने ही सूख जाएं, लेकिन पानी को हमें बाहर नहीं निकलने देना है अपने इस खेत से। तो ये तो हमारी प्रकृति से जुड़ने की बात रही। और हम आंवले को कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम जैविक कर रहे हैं, लेकिन प्रयास हमारा ये है कि हम धीरे से उसको जैविक पे जा रहे हैं। तो खाद हमें जो वैज्ञानिकों ने संस्तुत की है, क्योंकि मैं भी ध्यान से ही पढ़ा हूँ, कुछ सीखा है, कुछ अपने अनुभव में, और उसी विभाग में काम कर रहा हूँ। तो मैं अभी ये नहीं कि मैंने उसको पूरा गोबर पे कर दिया है, लेकिन उसमें से 5 बीघे को मैंने अभी अपने जो मेरा भाई है उससे छोटा वो दिख रहा है, मैंने कहा भाई 5 बीघे को अभी इस पर लाइए और फिर दोनों में अंतर करिए। हम इस तरह से गेहूं भी कर रहे हैं, अपने बाग में भी कर रहे हैं, बाकी और खेती हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि कोई रहता नहीं घर में, एक भाई है हमारा वही देखता है, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं। तो ये तो बात रही हमारी प्राकृतिक खेती की और जैविक खेती की, और ये बहुत आज की जरूरत है कि हम लोग प्रकृति से जुड़ें और प्राकृतिक चीजें ही खाने में प्रयोग करें। बाकी चूंकि मैं फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जितना बड़ा क्षेत्र है कि उसमें सारी चीज आती है, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब चीज उसी में आते हैं। तो अब हम उसको कहेंगे हम कैसे बचेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और सरकार का कहना है कि लोगों को रोजगार की बात करिए,
जो किसान भाई पैदा कर रहे हैं वो उसका कीमत ठीक मिले, वो बर्बाद ना होने पाए उसकी भी बात करिए, लोगों के स्वरोजगार की बात करिए और रोजगार की बात करिए, लोगों को काम मिले। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो हम सब शामिल हैं उसमें कि हमें शुद्ध और गुणवत्ता खाने की चीज मिले, चाहे भले ही वो प्रसंस्कृत प्रजाति की हुई हो या ताजी हो, जैसी भी हो, लेकिन शुद्ध और गुणवत्ता युक्त मिले। तो उसमें भी हमारा फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हम आज की जो हमारे देश की जनसंख्या है उस पर हम चाहेंगे सबको ताजा खिला पाएंगे तो ये संभव नहीं है। प्रोसेस्ड तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस उसकी प्रोसेसिंग हमें जैविक तरीके से या सैद्धांतिक तरीके से साइंस को लेकर के और प्रकृति को भी ध्यान में रख के करनी है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग भागम भाग में हैं, बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग उस पर जैविक रूप से या बिना किसी रसायन के ही उनको सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये काम चल रहा है और इसमें हम सब लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हम सब लोग किसान हैं और किसान के साथ साथ अगर हम उद्यम नहीं करते हैं तो कम से कम अपने घर के खर्चे का, जैसे हमें चिप्स बनाना है, हमें मूंग की दाल की बड़ी बनानी है, अचार बनाना है, जैसे अभी कीरतपुर से भाई जी आए मुरब्बा बना के लाए हैं, हम लोग ये चीज सिखाते और बनाते हैं, तो कम से कम अपने घर के खर्चे का हमें प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से और वैज्ञानिक तरीके से इसको बना के रखें तो कम से कम हम बचेंगे और दूसरों लोगों को प्रेरणा देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समय है तो हम एक दूसरे को जोड़ें कि भाई हम मुरब्बा ये बनाते हैं, आप नहीं बना पाते हो, और सब लोग मुरब्बा नहीं बना पाएंगे, सब लोग अचार नहीं बना पाएंगे, सब लोग आटा चक्की नहीं लगा पाएंगे, सब लोग खेती नहीं कर पाएंगे, सब लोगों का अलग अलग काम है। तो जो जहां कर रहा है उसको प्रकृति को ध्यान में रखें और जो रसायन प्रयोग होते हैं उनकी ना मात्रा तो कुछ चीजों में नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम जो वैज्ञानिक उस पर बताएगी केवल उसको आप इस्तेमाल करें, उसका नुकसान नहीं, और धीरे से हम उसको बंद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसमें। तो हमें पहली बात तो ये कि हमें खेती किसानी के साथ साथ अपना रोजगार या उनकी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण इतना तो हमें अपना अपने लिए करें, अपने पड़ोसी के लिए करें, अपने रिश्तेदार के लिए करें, और अगर इसके बाद भी हमारे पास समय है तो हम उसको छोटे उद्यम के रूप में लें और उद्यम लगा करके हम दूसरों को, बस यही ध्यान रखना है ये हमारे जैसे भाई बहन को ही खाना है, ये नहीं रखें कि भाई हमने बना दिया दूसरा खाएगा और क्या करेगा। और ये जो हमारे भाई जो सबसे पहले बोल रहे थे, हाँ बैठे हैं रोहित, रोहित भाई वो कह रहे थे कि ये कंसेप्ट हमें अपने उस पर रखना पड़ेगा। 1966 में हरित क्रांति आई, उस समय का मेरा जन्म है वैसे तो, लेकिन उस हरित क्रांति में किसी वैज्ञानिक ने, किसी भी जो हमारे राजनीतिज्ञ होते हैं या देश को चलाने, किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि हम इनका अंधाधुंध प्रयोग करेंगे। और आज भी कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि आप भाई आप खेती कर रहे हैं तो कीड़े मारने की दवा की बात कर रहे हो और पहले खाद की बात कर रहे हैं, लेकिन एक उसकी नियत मात्रा है, जांच परख के उसको बहुत सारे प्रयोग करके उसको बताया जाता है, लेकिन हम लोग होड़ में इसको आगे कर रहे हैं। आज आलू में डीएपी की जो मात्रा है एक बीघे में 10 और 12 केजी की बात करते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे हमारे विभागीय अधिकारी हो, लेकिन किसान भाई एक बोरी लगा रहे हैं, किसान भाई एक बोरी लगा रहे हैं, और जो नहीं लगा रहे हैं, जैसे अभी सुरेंद्र भाई जी कह रहे थे कि ये कुछ खर्च नहीं करते हैं, मतलब ये लागत लाभ नहीं लगा रहा है खेती में, तो अगर जो लाभ कम लगा रहा है उस पर लोग हंसते हैं, उसकी पैदावार कुछ कम तो होगी, खेती देखने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसकी टोटल कॉस्ट निकालें कि लागत निकालें और फिर आगे बेचने का निकालें तो वो बराबर बैठता है। जहाँ मैंने जितना देखा है, क्योंकि मैं भी खेती में इन्वॉल्व रहता हूँ, खेती करता हूँ, किसान भाइयों से जुड़ा रहता हूँ, तो हम लोग थोड़ा सा उसको परिवर्तन करना चाहेंगे कि अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, खेती कम हो रही है और सबका पेट भी भरना है, तो
और जिनके पास खेती ठीक है, जिसके पास 50 बीघे वो 10 बीघे ऑर्गेनिक कर लेंगे, और जिसके पास है ही 5 बीघे तो ऑर्गेनिक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आएंगे हम लोग उसी पर। और ऑर्गेनिक की जहां हम बात करते हैं, उसमें हमें पशुपालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि गोबर की खाद लाएंगे कहाँ से, हम अगर करना भी चाहें तो लाएंगे कहाँ से। हालांकि कल जो हमारी किसान गोष्ठी हुई थी किसान दिवस के अवसर पर, उसमें कुछ किसान भाइयों ने अच्छे वो दिए कि भाई इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चूंकि मेरा जो क्षेत्र है वो फूड प्रोसेसिंग का है, जो चीज हम पैदा कर रहे हैं उसको बचाने का है, उसको सुरक्षित रखने का है, और वैज्ञानिक तरीके से प्राकृतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दूसरे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं अपने यहाँ। और प्रशिक्षण में एक दो बहन हमारे यहाँ बैठी हुई है, शशि बहन है और आरती बहन है यहाँ, उन्होंने हमारे यहाँ से सीखा और अपना काम भी कर रही है। और हम आपको ये मतलब आश्वस्त करते हैं या वादा करते हैं, दोनों बहनें हमारी जो हमने सिखाया है, कभी इनका ये नहीं रहेगा, जैसे भी सुरेंद्र भाई कहते हैं कि मेरा मुझे अच्छा ये लगता है कि हम किसी की थाली में विष नहीं परोस रहे हैं, और इनका भी यही है और कर भी यही रही है कि ऐसा नहीं होगा कभी। अगर इनको लगता है कि कोई नई चीज इनके दिमाग में आती है, तुरंत मेरे से फोन करती है कि भाई जी ये चीज हम कर रहे हैं और इसमें हमें जो प्राकृतिक और वैज्ञानिक बात है उसको बताइए। तो हम लोग कभी अभी बिजनेस देखिए, बिजनेस का लोगों का सीधा धंधा पैसा कमाना, हमारा तो चूंकि सरकारी विभाग है, हमें सरकार पैसा दे रही है, ये लोग तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये वो नहीं है कि हमारा केवल पैसा कमाना उद्देश्य है। किसान भाई का जो पैदा कर रहा है उसको सुरक्षित करना है, हम अपना कुछ कमा रहे हैं और एक दो बहन को काम दे रहे हैं, ये उद्देश्य। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जिसको हम दे रहे हैं वो कल को हमसे ये न कहे कि बहन जी हम आपने अचार दिया उसको खा के हमारे बच्चे बीमार हो गए या हम बीमार हो गए, ये हमसे कोई नहीं कहना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और इसमें एक भाई और जुड़ रहे हैं हमारे, वैसे तो हमारे विभाग में थे भाई राजेंद्र जी, और अब ये 100 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ से, तो आगे जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा संस्था है, बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस तरह का इनका उद्देश्य है, तो ये जुड़ के ये भी इसी में हम उनको शामिल करना चाहेंगे। बाकी हमारे यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं भी सरकार अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उनको मिलती हैं। अगर आप लोगों के पास समय है और बहन जी का वो है तो हम बता दें, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लेता हूँ। मैं कुछ लोग मेरे से ये कहते हैं कि आप ये बात मंच से करते हो कि जो सुविधा है उसको नहीं बताना चाहते हो, आप काम करिए, तो ये सरकारी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, अगर कोई उद्यम करना है तो सरकार के बलबूते पर नहीं करिए, अपने बलबूते पर करिए, क्योंकि जो सरकार से आपको सुविधा मिलेगी वो तो मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि जब सरकार से सुविधा मिलेगी तब मैं ये आटा चक्की लगाऊंगा और अच्छा आटा पीस के लोगों को दूंगा, या एक्सपेलर तब लगाऊंगा जब मुझे सरकार से सुविधा मिलेगी, तो फिर आप पिछड़ जाएंगे उद्यम में। आप अपना काम शुरू करिए, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो अनुदान की सुविधाएं हैं, वो हमेशा लागू रहेंगी। और कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि आप किसी तरह से लेट हो गए, कई बार सरकार के पास कोई आचार संहिता लग जाती है पीछे, जैसे कोविड हो गया तो 2 साल में जो पैसा कहीं का कहीं गया, तो हम बहुत से भाइयों को जो अनुदान की सुविधाएं नहीं दे पाए, लेकिन उनको हम बार बार प्रेरित ये करते रहे आप काम करते रहिए। तो उसमें दो एक बहन और भाई हमारे ऐसे हैं, उन्होंने कहा सर आपका ठीक रहा अगर हम इसी पर रहते कि सरकार से अनुदान मिलेगा तब काम करेंगे, तो जब तक हमारी अनुदान की फाइल आई और अनुदान मिला तो जितना आपसे अनुदान मिलना था उतना हम कमा चुके हैं उससे, और हमारा जो बिजनेस है हमारी पहचान बन गई है। तो मेरा जो व्यक्तिगत बात है ये, लेकिन जो सुविधाएं होंगी कभी आप, मेरा नंबर बहन जी के पास है, कुछ लोगों के पास यहाँ है भी, तो मेरा नंबर ले लीजिए। मेरा कार्यालय यहाँ जवाहर पार्क में है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। और जो व्यस्तता की बात है, बहन सुनीता जी कह रही थी,
मैं सात लोग होने चाहिए मेरे किंदरों में, अकेला हूँ। मैं आके अपना ऑफिस खोलता हूँ, बाकी ये तो नहीं कि मैं झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू वाला मैंने रख रखा, बाकी टेबल वेबल अपने आप साफ करता हूँ। और जिन लोगों के कुछ सीखने आते हैं, बताने आते हैं, जो पुराने मेरे साथी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ लोग मेरे सिखाए हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, भैया इन लोगों की थोड़ी हेल्प कर दो। वो आके काम कर जाते हैं। और जैसे अभी मेरे पास फोन नहीं का आ रहा था कि साहब मैंने जो आपने काम बताया मैं कर दिया, वो अपना बिजनेस करते हैं इसी का, खाद प्रसंस्करण का, मैं वो जा रहा हूँ, तो मैंने कोई बात नहीं, आप गेट बंद कर जाइए और जाइए। तो बाकी ऐसी व्यस्तता नहीं, मेरा काम भी यही है, लोगों को बताना समझाना मेरा काम है, लेकिन चूंकि मैं अकेला हूँ तो सात लोगों का अकेले करना थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सुबह बहन ने जब फोन किया तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने कहा, मैं कह भी सकता था मैं अकेला हूँ, मेरी बाउंड्री टूटी पड़ी है, ऑफिस की बाउंड्री टूटी है, वो